अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है गिलगित बल्तिस्तान में, और यहाँ पे खेती बाड़ी का जो सीज़न है वो इस टाइम पीक पे है। मेरे सराउंडिंग्स में आप देख सकते हैं समर्स में ये जो मेरा बैकग्राउंड में जो पूरा व्यू है ये बिल्कुल सरसब्ज होता है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद वो मंज़र हमें दोबारा देखने को मिलेगा। और मेरे जो होटल है उसके बैक साइड पे जितने भी फील्ड्स हैं वहाँ पे लोगों ने जो है वो खेती बाड़ी का काम बिल्कुल तेज़ किया हुआ है। कोई आलू उगा रहा है और कोई गंदम काश कर रहा है, और साथ साथ में जो भी काश किया जा रहा है ताकि जानवरों के लिए घास फूस पैदा की जाए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मौसम, आज बिल्कुल सनी डे था। अभी शाम का टाइम है, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मौसम, सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी हुई है। मौसम गर्मी की तरफ दिन जो जो दिन बढ़ते जा रहे हैं, और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, और सर्दी कम होती जा रही है। और इंशाल्लाह स्प्रिंग के जो टूर्स होते हैं हमारे वो अभी चल रहे हैं, तो आप हमारा जो है हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी फ्राइडे को कराची से डिपार्चर होता है, और एवरी मंडे को जो है मॉर्निंग संडे मॉर्निंग को इस्लामाबाद से डिपार्चर करते हैं। तो आप सबको वेलकम। स्प्रिंग सीज़न पीक पे है इस टाइम, चेरी ब्लॉसम का सीज़न बिल्कुल करीब स्टार्ट होने वाला है, और नेक्स्ट मंथ से आपको पता है रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले पहले आप कोशिश कर ले कि जो है ना आप स्प्रिंग में बल्तिस्तान का विज़िट आप लोग कर ले, और फिर रमज़ान में तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा इतना ट्रैवल नहीं करते, और इंशाल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक के बाद हमारे टूर्स दोबारा स्टार्ट होंगे। और सबसे ख़ास बात कि अगर आप लोग जो है वो जीबी में अपने रोज़े रखना चाह रहे हैं, यानी अपना जो रमज़ानुल मुबारक का जो मंथ है वो अगर गिलगित बल्तिस्तान में स्पेंड करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, वो फैसिलिटीज़ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, छोटी सी अपडेट थी, आपके साथ काफ़ी टाइम हुआ था, आपसे बातचीत भी नहीं हुई थी। तो ये जितने भी फील्ड्स हैं इन सब में जो है वो काश्तकारी हो चुकी है, कुछ में हुई है, कुछ में भी हो रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।